दोस्तों, स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं सैप्रस इंकोर सीरीज का आज का दिन का पहला मुकाबला के बारे में, जो खेला जाएगा ब्लैक कैप्स वर्सेस एमडॉक्स सीसी के बीच में, यानी बीसीपी वर्सेस एएमडी के बीच में। आपको पता होगा कि सैप्रस वाला जो केवल था वो ख़त्म हो चुका है और ये न्यू सीरीज स्टार्ट हुआ है सैप्रस इंकोर सीरीज़ का, और इस सीरीज़ का 27वां नंबर मुकाबला रहने वाला है, जिसमें आपको बता दूँ जो एएमडी की टीम से यानी एमडॉक्स सीसी की टीम से, इनकी टीम में ने इंकोर वाला सीरीज में ऑलरेडी 6 मुकाबले खेले, लेकिन 6 के 6 मुकाबले वन साइडेड, मतलब हार के आ रही, ठीक है। बट जो सामने की टीम है ब्लैक कैप्स की टीम से, इनकी टीम ने भी 6 खिलाए और इनकी टीम ने भी 5 वाला मुकाबला हारा है, 1 वाला मुकाबला वो भी धोखा तरीक़े से विन करा था। मुकाबले आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और बताओ, दोनों टीम के बीच ना दो हेड टू हेड वाला मुकाबला हुआ था, केवल जो साइप्रस चल रहा था उसी में, ठीक है, जिसमें बीसीपी की टीम ने दोनों दोनों मुकाबले विन करा था। तो कहीं ना कहीं ब्लैक कैप्स की टीम थोड़ा फेवर रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे वीडियो में। एक तो बैटिंग ऑर्डर बताने की कोशिश करूँगा, स्मॉल लीग पिक, ग्रैंड लीग पिक, स्मॉल लीग डिफरेंट पिक प्लस ग्रैंड लीग डिफरेंट पिक। तो भाई वीडियो का आप लास्ट तक वॉच करिएगा जरूर, ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो। लास्ट टाइम का फाइनल टीम, फाइनल अपडेट, कन्फर्म बैटिंग ऑर्डर और स्मॉल लीग की फाइनल टीम भी सारी चीज़ें मिलेगी टेलीग्राम पर। तो करना कुछ नहीं है, इसी वीडियो के और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहीं पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक जरूर काम करेगा। अगर लिंक नहीं काम करा, कोई दिक्कत आ रही है आपको लिंक से, तो फिर टेलीग्राम ऐप को ओपन करना, सर्च करना @export2002, सेम टू सेम सर्च करेंगे, 7200 प्लस सब्सक्राइबर दिखेगा दोस्तों, यहीं पे क्लिक करके जुड़ना है। नीचे फेंक चैनल बनने तो उसे आप बिल्कुल भी सावधान रहेंगे। अब बात करेंगे मुकाबले टाइमिंग की। मुकाबले टाइमिंग रहेगा 9:30 में नाइट को, बेनो सेमी रहेगा एपसोन्स क्रिकेट लेम्बसोल में। विकेट आपको न्यूट्रली मानना है, ब्लैक कैप्स टीम को आपको फेवर करना है क्योंकि उनकी टीम थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू एएमडी की टीम से, ठीक है। अभी तक ना बेनू पे 70 मुकाबला कंप्लीट हुआ है, बैटिंग फर्स्ट 41, बैटिंग सेकंड 29। आपने कल दो वाला मुकाबले पे देखा, उसमें क्या देखा, जो फर्स्ट में बैटिंग करी थी टीम दोनों को दोनों विन करा। हेड टू वाला मुकाबला जब स्टार्स आप देखोगे, ब्लैक कैप्स की टीम ने बहुत ईजी तरीके से विन करा। यहाँ पर इनके 7 विकेट गिरे थे एएमडी के, यहाँ पे देखोगे 5 विकेट गिरते, सिर्फ 69 रन बने थे, और ब्लैक कैप्स का टीम ने 103 का था, उनके ज़्यादा विकेट नहीं गिरे थे, और यहाँ पे 34 रन से विन करा, मतलब वन साइडेड विन करा है ब्लैक कैप्स की टीम ने हेड टू हेड वाला मुकाबला। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि आप उसी टीम से ज़्यादा प्लेयर को प्रेफर करना। गाइज, ब्लैक कैप्स की टीम सिर्फ फील्डिंग मतलब करे ना, ब्लैक कैप्स की टीम फील्डिंग करे फर्स्ट में, तो फिर हाई इन्वेस्टमेंट करना विजन 11 एप्लीकेशन पर, ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले बात करेंगे एएमडी टीम की। तो गाइज, लास्ट मुकाबला मैंने एक्सपेक्टेड हुआ था गौरव सगवान ने ओपनिंग किया था चेतन शाह के साथ, लेकिन इनके मेन जो ओपनर रहे पंकज प्रवेश है, हितेश है, और यहाँ पे बिमल खंदूरी ओपनिंग करवाते हैं, चेतन शाह ओपनिंग कर, मतलब पंकज प्रवेश, चेतन शाह ओपनिंग, वन डाउन आते बिमल खंदूरी, लेकिन लास्ट मुकाबला में कहानी कुछ अलग रहा था। गौरव सगवान ने ओपनिंग करा था चेतन शाह के साथ, गौरव सगवान 6 रन का था, यहाँ पे देखोगे 5 रन, बैटिंग नहीं मिली थी क्योंकि कई मुकाबले बहुत ज़्यादा नीचे खेलते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से स्मॉल लीग की टीम में छोड़ देना, लेकिन ग्रैंड लीग की टीम में जरूर पिक करिएगा क्योंकि ओपनिंग करवा रहा है, अगर 20 से 25 रन बना के दे दे फिर आपको वन साइडेड विन करवाएगा ग्रैंड लीग की लीग में, ठीक है, तो चीज़ रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि ग्रैंड लीग पिक रहेगा। उनके बाद उनके साथ ही आए थे चेतन शाह, चेतन शाह ओपनिंग करवाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। यहाँ पे ना 25 रन का था, यहाँ पे 26 रन, यहाँ पे 1 और 18, मतलब बढ़िया फॉर्म में है, और स्मॉली की टीम में हम इनको रखेंगे बिल्कुल भी, बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिया है, रखेंगे स्मॉली की टीम एज ए प्लेयर पिक करो। वन डाउन आएंगे बिमल खंदूरी, बॉलिंग एंड बैटिंग से बहुत ही बेटर परफॉर्म देता है, लास्ट मंगल 20 रन भी करा था और 1 विकेट निकाला था, 1.2 ओवर की बॉलिंग करा के 27 रन 2 ओवर विकेट लेस, यहाँ पर देखो 36 रन 2 विकेट 2 ओवर, मतलब बॉलिंग एंड बैटिंग बहुत ही बेटर करवाता है, प्लस स्मॉली की एक मस्ट रहेगा। आप वीसी भी आप इनको कर सकते हो, प्लस सी भी कर सकते हो। हितेश थदानी सेकंड रन बैटिंग ऑर्डर रहेगा, लास्ट मुकाल में 14 रन का था दोस्तों, और वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा खासा 2 विकेट निकाला था, ठीक है, और यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे 18 रन 1 विकेट, यहाँ पे देखोगे 2 रन 2 विकेट 2 ओवर के बॉलिंग करा के, मतलब कंप्लीटली डबल डाल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डिफरेंट जा रहे सी एंड बी सी, तो फिर हितेश को आप सी एंड बी सी कर लेना, लेकिन याद रहे कि सामने की टीम भी स्ट्रॉन्ग है, पंकज प्रवेश उनके बाद आएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करनी चाहिए चेतन शाह के साथ, तो देखेंगे बैटिंग ऑर्डर क्या रहता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि भाई टेलीग्राम पर भी बैटिंग ऑर्डर देता हूँ। लास्ट वाला मुकाबले में 24 रन भी करा था, विकेट लेस गया था, लेकिन 2 ओवर की बॉलिंग करवाई थी, यहाँ पे 1 रन 1 विकेट 2 ओवर, मतलब कंप्लीटली 2 ओवर डालेगा जब भी खेलेगा, और अच्छा खासा बैटिंग भी करवा सकता है, दम खम है, प्लस विकेट तो निकाल ही रहा है। तो फिर ओपनिंग करा हम स्मॉली की टीम में वीसी करेंगे इनको। सौरभ पंगल स्टार्टिंग ओवर करवाता है, बिल्कुल भी ध्यान रहे आपको, पिटाई हो गया तो बहुत तगड़ा वाला,
यहाँ पे एक विकेट निकाला था, यहाँ पे एक विकेट, मतलब पिटाई बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला होता है इनका भी, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको इनको लेना बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा, सामने की टीम भी स्ट्रांग है। और गाइज अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करी तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पिटाई होता है। आशीष श्रीवास्तव इनको कई मुकाबले में खिलाया नहीं गया, कई जब भी खेलते एक एक ओवर डालते हैं और यहाँ पे एक एक विकेट निकाल लेते, बट लास्ट मुकाबले में विकेट लेस गए थे। मेरे हिसाब से भी छोड़िएगा आशीष श्रीवास्तव के। उनके बाद आएंगे राहुल शुक्ला, एक ही ओवर में 16 रन दिया था, फिर दोबारा ओवर मिला नहीं इनको और यहाँ पे विकेट लेस गए थे। पलर उतना बढ़िया है नहीं, छोड़ देना। सिरकनाथ कंपेयर पहलू, इन्होंने विकेट कीपिंग करवा रहे थे और यहाँ पे बैटिंग नहीं मिली थी, यहाँ पे 20 रन, उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं, छोड़ देना। उनके बाद आएंगे विनोद सावंत, जो सिर्फ आपको फील्डिंग करते नजर आएंगे दोस्तों, और एक ओवर डाला था उसके पहले मुकाबले में, पार्ट टाइमर बॉलर कभी कभी दिया जाता है, नहीं तो सिर्फ फील्डिंग ही करते हैं। अविनाश रानू को एक ओवर मिला था लेकिन विकेट लेकर गया था, पिक कर सकते हो। देखो आपने इस टीम से ना चैता साहब, बिमल कंदूरी, हितेश, पंकज प्रवेश, 4 हो गया, बाकी नीचे आओगे और नीचे अविनाश रानू को पिक कर सकते हो, क्योंकि जब भी बंदा बॉलिंग कराए विकेट तो निकाला है। और स्टार्टिंग ओवर आओगे, पहला डाला था सौरभ पंकल, दूसरा डाला था पंकज प्रवेश और तीसरा हितेश डाला था डेथ में, 8वां फिर 9वां डाला था विमल कंदूरी ने, और सॉरी 8वां और 10वां डाला था विमल कंदूरी ने, फिर 9वां डाला था अविनाश राणे ने। बेंच पे गौरव गुप्ता है, प्रीतर देवाला है, गिरिधर सिंह है, प्रिंस राय है, और भी प्लेयर है जो इनकी टीम तरफ से बेंच पर बैठे हैं। भाइयों कोई भी खेलेगा आपको लास्ट टाइम में प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, तो उसके लिए फिक्र ना करो, पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। अब यहाँ पे बात करेंगे जो सामने की टीम है ब्लैक कैप्स की टीम से। मैंने बताया था कि भाई इनकी टीम ने 8 खेले हैं, 8 में से एक ही वाला मुकाबला विन करा था इंकोर वाला सीरीज में, ठीक है, बट इनकी टीम तरफ से मोस्ट लो ओपनिंग करवा के देखा, वो देगा कौन, वकास अख्तर, इनके साथ आ रहे कुलविंदर सिंह। बात करेंगे वकास अख्तर की, जो राइट एम बैटिंग करवाता है, राइट एम फर्स्ट बॉलिंग करवाता है, गाइस टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, बट इंकोर वाला सीरीज में कुछ इनका बॉलिंग से चला नहीं है, क्योंकि अभी तक एक भी मुकाबले में विकेट नहीं मिला है। लास्ट का 8 मुकाबले देखोगे तो प्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त है, सामने की टीम वीक है। हम वकास अख्तर को कैप्टन करेंगे इस मौली की टीम में और विमल कुंदुरु को वीसी करेंगे, वो चीज़ अवधान के चलिएगा। कुलविंदर सिंह इनके साथ ही आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, और मेरे हिसाब से लगता है कि गाइज यहाँ पे ना 8 रन, यहाँ पे 22 रन, प्लेयर ये भी बढ़िया है क्योंकि पार्ट टाइम यूज होते हैं कभी कभी, प्लेयर बढ़िया है, सामने की टीम में वीक है, स्कोरिंग करने के चांस रहेगा तो पिक कर सकते हो। आबिद अली विकेट कीपर सेक्शन में दिखेगा दोस्तों, प्लस यही टीम की तरफ से कभी कभार विकेट कीपिंग करवा लेते हैं, वन ऑन बैटिंग पोजीशन हर बार रहा इनका, तो फिर स्मॉली की टीम में हम आबिद अली को विकेट कीपर सेक्शन में पिक करेंगे। राजविंदर अनदानिया जो राइट नंबर ही करवाता है, जो सिर्फ आपको बैटिंग करते नजर आएंगे, T20 का स्टेट देखोगे तो T20 का स्टेट भी बढ़िया नहीं था और साइप्रस वाला भी केवल स्टेट बढ़िया नहीं था, यहाँ पर 0-1-0 करा तो कुछ खास इंपॉर्टेंट प्लेयर है नहीं और बहुत ज़्यादा नीचे बैटिंग ऑर्डर रहता है इनका तो छोड़ देना। उनके बाद आएंगे राजविंदर बराड़, जो टीम तरह से कैप्टनसी करवाता है, राइट एंड बैटिंग करवाता है, राइट एंड फास्ट बॉलिंग करवाता है, लास्ट ओवर गला खेला था जहाँ पे 4 रन का था, 2 विकेट निकाला, 2 ओवर की बॉलिंग करवा के यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हुआ था, बॉलिंग नहीं मिली थी, तो T10 का यही हाल होता है भाई, कभी बॉलिंग करवाता है 2 ओवर, अब जो यहाँ पे 2 ओवर डालते 2 विकेट लगे थे, यहाँ पे बॉलिंग नहीं करा था, यहाँ पे 2 ओवर 2 विकेट, यहाँ पे 1 ओवर, तो गाइज T10 में इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई आप थोड़ा लेस इन्वेस्टमेंट रखो, क्योंकि इसमें कौन कितना ओवर करेगा यही कन्फर्म नहीं रहता, ठीक है। प्लेयर बढ़िया है, बॉलिंग करेगा तो विकेट लेकर जा सकता है, सामने की टीम भी वीक है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा विकेट गिरते हैं तो फिर इनको विकेट मिल सकता है। रेशम सिंह जो सिर्फ आपको 22 रन करा था बैटिंग से और बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं डाला था, लेकिन यहाँ पे 2 ओवर डाला था, 1 विकेट, यहाँ पे 2 ओवर, 1 यहाँ पे 1 ओवर, तो बढ़िया प्लेयर है क्योंकि स्कोरिंग भी करवा रहा है। इनकी टीम पहले बैटिंग करी तो फिर पिक करना, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि सामने वाली टीम से ज़्यादा रन बनेंगे नहीं और बैटिंग ऑर्डर भी इनका नीचे रहेगा तो फिर इनको स्कोरिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, बॉलिंग नहीं मिला तो सीधे आपको लॉस करवाएगा, तो वो चीज़ रहेगा। उमर फारूक कोटे का 2 करवा रहे हर मुकाबले में, हम स्मॉली की टीम में लेंगे और आप भी लीजिएगा, मस्ट पिक रहेगा। उनके बाद आएंगे परमिंदर सिंह, विकेट लेस गया था, हालांकि उसके बल्ले मुकाबले देखोगे 2 विकेट निकाला था, यहाँ पे सामने की टीम वीक है तो कहानी कुछ अलग रहेगी, इसलिए मैं बोल रहा था आप पिक करेंगे स्मॉली की टीम में परमिंदर सिंह को। उनके बाद आएंगे दीपेंद्र जीत सिंह, जो 1 ही ओवर डाला था और 1 विकेट लेकर गए थे, इसके बल्ले मुकाबले खेला नहीं, तो मतलब जब भी खेला बंदा 1 ही ओवर डाला है तो अगेन गैनली की पिक रहेगा, स्मॉली की टीम में बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा भाई, ये छोड़ देना। उनके बाद आएंगे गुरविंदर सिंह, गुरविंदर सिंह को भी 2 ओवर मिला था, 1 विकेट लेकर गए थे, सॉरी विकेट नहीं मिला था, विकेट नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे देखोगे ना तो बॉलिंग नहीं करवाई थी, यहाँ पे 2 ओवर 1 विकेट, तो गाइस यही कंफर्म नहीं थे कि कोई भाई कौन बॉलिंग करेगा कौन नहीं करेगा, बट 1 भी ओवर डालेगा तो लेकर जाएगा क्योंकि सामने की टीम वीक है। उनके बाद आएंगे हरदीप सिंह, जो 0 रन करता था बैटिंग से, बॉलिंग तो नहीं मिला था, यहाँ पे 1 ओवर 1 विकेट, इनका भी वही अलग, कभी बॉलिंग मिलता है कभी नहीं मिलता, ठीक है। वकास अख्तर को पिक करेंगे, कुलविंदर सिंह बढ़िया रहेगा, आबिद अली को विकेट की, राजविंदर बरार, यहाँ पर रेशम सिंह बढ़िया रहेगा, उमर फारूक,
परमिंदर सिंह मतलब इस टीम से ज़्यादा प्लेयर को प्रेफर करना है स्मॉल लीग की टीम में। मैं बोलूँगा आप 6 से 7 प्लेयर को इस टीम से ले लो, सामने की टीम से थोड़ा कम लेना। देखो स्टार्टिंग ओवर पहला डाला था परमिंदर सिंह, दूसरा डालता उमर फारूक, तीसरा डालता गुरविंदर सिंह, डेथ में रजविंदर सिंह नौवा 8वां आए थे, नौवा डालते गुरविंदर सिंह, फिर 10वां आते उमर फारूक, मतलब उमर फारूक एक दूसरा और एक 10वां, ठीक है। तो चीज़ रहा था। बाकी बेंच पे अत्ताउल्लाह है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, आशीष बर्मन, युवराज सिंह है, अर्जुन साई है, पॉल पॉनदीप है, तेजविंदर सिंह है, कासिम अनवर है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर इनकी टीम से जो बेंच पे बैठे खेल नहीं रहा बट खेलेगा, आपको प्रोवाइड जरूर करवाऊंगा टेलीग्राम पर। आप यहाँ पे बात करें विकेट की, प्रीतर जवाल बहुत ज़्यादा नीचे खेल ही नहीं रहे, खेलेंगे तो इनके साथ ही जाएंगे, बट अभी के लिए आबिद अली को लो, फिर आबिद अली को, फिर यहाँ पे चैतर शाह को, चैतर शाह और आबिद अली मैं प्रेफर करूँगा आप चैतर शाह के साथ जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे आबिद अली आता है, बट आबिद अली भी बढ़िया फॉर्म में है तो उसका भी आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आता हुआ खेलेंगे, हम पी करेंगे, बट लास्ट टाइम कल खेला नहीं था, बट मेरे हिसाब से खेलना चाहिए यार, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, चलो खेलेगा नहीं तो छोड़ ही देते, खेला ही नहीं था लास्ट टाइम कल, फिर क्या पी करेंगे, इनको पी करेंगे। बट आप यहाँ पे ना कुमार पहलू को छोड़ के मैं गौरव सागवान के साथ जाऊँगा, क्योंकि ये बंदा ओपनिंग कर रहा था। यहाँ पे आएंगे लोग सिलेक्शन के ऊपर जा रहे हैं, ऑलराउंडर से मैं बिमल खानदरी, वकास अख्तर, हितेश, और यहाँ पे ना रजविंदर सिंह बरार को मैं लूँगा स्मॉल की टीम में। आप रेशम सिंह को रख सकते हो, अगर ब्लैक कैप्स की टीम पहले बैटिंग करे फिर हम रेशम सिंह को लेंगे, अगर इनकी टीम सेकंड में बैटिंग करी ना, बीसीपी की टीम सेकंड में बैटिंग करी तो फिर हम इनको लेंगे, तो वो चीज़ रहता है। बॉलिंग सेक्शन में आओ, पंकज परवेज, अविनाश को पिक करेंगे, नीचे आओगे परमिंदर सिंह को पिक कर लेंगे। देखो उमर फारूक इंपोर्टेंट है तो उमर फारूक को लेने के लिए करना कुछ नहीं, राजविंदर सिंह बरार को छोड़िएगा या फिर अविनाश को छोड़िएगा स्मॉल की टीम में, क्योंकि इनकी टीम में वीक है तो फिर इनको विकेट मिलेगा नहीं ज़्यादातर, ठीक है। तो इसका फ़ायदा आप उठा लो, कैप्टन वकास अख्तर, बिमल खंदूरी मेरा वीसी रहेगा, आप बिमल खंदूरी की जगह पे वीसी आप हितेश को दे सकते हो। डेमो टीम बना, फाइनल टीम नहीं है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।